नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। ऐसा बहुत कम होता है जब योगी आदित्यनाथ मंच पर माइक संभालें और गुंडे, माफिया, बुलडोजर का जिक्र न करें। योगी के सत्ता संभालते ही बुलडोजर की गर्जना ने यूपी की सियासत में एक अलग ही पटकथा लिखी है। एक तरफ जहां विपक्ष बुलडोजर का मुद्दा भुनाकर योगी को घेरने की कोशिश करता है, तो वहीं खुद योगी आदित्यनाथ यूपी की जनता के सामने चीख चीख कर बुलडोजर का जिक्र करते हैं। लेकिन आज हम आपको योगी के बुलडोजर से नहीं, ना ही योगी के बुलडोजर वाले किसी भाषण से वाकिफ कराने वाले हैं, बल्कि इस खबर में आपको योगी के बुलडोजर बॉय से रूबरू कराने जा रहे हैं। अगर आपको भी जानना है कौन है योगी का बुलडोजर बॉय, तो बने रहिए हमारे साथ। चुनावी राज्य वाले उत्तर प्रदेश में सियासी पारा अपने परवान पर है। बस इतना जान लीजिए, मौसम में ठंडक अभी भी बरकरार है, लेकिन सियासत ने अंदरूनी माहौल को गर्म किया हुआ है। मंच चाहे विपक्ष का हो या फिर सत्ता पक्ष का, सबकी स्टडी फूल है। शब्दों के बाढ़ और जुबानी जंग का पूरा फलसफा यूपी की चुनावी जंग में देखने को मिल रहा है। अब एक ऐसा ही बयान यूपी के एक मंत्री की तरफ से सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। वो मंत्री कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह हैं। दरअसल प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो बुलडोजर सीएम के एक्सपेरिमेंटल बॉय हैं। उनका सीधा इशारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 2022 में जब चुनाव में घुस रहा हूँ और शपथ लेता हूँ कि मैं बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंटल बॉय बनूंगा। बुलडोजर सीएम का इसलिए कि 403 विधानसभाओं में बुलडोजर चला था, लेकिन एक ही विधानसभा है जहां पे बाहुबली के छाती के पे चढ़कर भूमि पूजा भी हुआ और 75 घर बन गए। मैं वादा करता हूँ आने वाले 5 साल के अंदर, जितनी भी बाहुबलियों की जमीन है उनके ऊपर गरीबों के आवास बनेंगे, वकीलों के आवास बनेंगे, टीचर्स के आवास बनेंगे, युवाओं के लिए स्पोर्ट्स सिटी बनेगी और मैं करके दिखाऊंगा। इसलिए बुलडोजर सीएम का मैं एक्सपेरिमेंटल बॉय बनूंगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने इस बयान को ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है, जिसके कैप्शन में लिखा है, 2022 के चुनाव में इस बार शपथ लेता हूं कि बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंटल बॉय बनूंगा। बहरहाल आपको यहां बता दें कि सिद्धार्थनाथ सिंह एक बार फिर इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने की कोशिश में है। इसको लेकर विधानसभा सीट पर अपने प्रचार अभियान को लगातार बढ़ा रहे हैं। बहरहाल सिद्धार्थनाथ सिंह के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।